गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते और छोटों को हेलो। तो आज ये है वो सेकंड पार्ट जो हम लोग 12 बखरा गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे 12 बखरा के हम लोग पहुँच ही गए थे, तो अभी उसका जो नज़ारा है, अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर अभी चढ़ेंगे, जो वाटरफॉल की तरफ हम लोग जाएंगे, तो वहाँ का जो नज़ारा है तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे वाटरफॉल जो पहाड़ों से ये छोटा छोटा जो धारा निकलता है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो छोटा छोटा वाटरफॉल है और ये जो छोटा छोटा पानी का धारा है, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और ग्रेजुअली जैसे आप ये पहाड़ों के ऊपर आप चढ़ते जाएंगे तो नज़ारा और भी बढ़ता जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे जो ये धाराएं हैं वो इसी ऊपर पहाड़ी के ऊपर से आता है, और जो बड़ा वाटरफॉल है वो ऊपर ही है। तो ये जंगल के रास्ते होते हुए और पहाड़ों के बीच में हम लोग जाएंगे, तो देख रहे हैं कि रास्ता इतना ख़राब नहीं है और इतना बढ़िया भी नहीं है। तो आपको चल के जाने में मज़ा भी आएगा और एक एडवेंचरियस एक टूर भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा ढलाने हैं, और मतलब आप पहाड़ से कभी उतरेंगे कभी पहाड़ से चढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर आते हैं और भीड़ भाड़, मतलब हर 12 महीना यहाँ पे भीड़ भाड़ लगा रहता है। ये देखिए कितना, वो जो आप देख रहे थे नीचे एक धारा, एक पानी का धारा बह रहा था, वो यहीं से होके वो नीचे तक पानी जाता है। आप देख सकते होंगे कितना बढ़िया नज़ारा है। ये टॉप ऑफ द व्यू है और यहाँ पे पानी जो है एकदम साफ है। आप ये पानी पी भी सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट बारिश का पानी है। माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे लोगों का भीड़ हर टाइम, हर 12 महीना लगा रहता है, और स्पेशली तो ये रेनी सीजन में ज़्यादा, क्योंकि ये पहाड़ का मज़ा बारिश के मौसम में है। क्योंकि बारिश जब होता है तो ये जगह पानी से भर जाता है, और यही सब देखने के लिए 12 पहाड़ जो होता है इसीलिए लोग आते हैं। और इसका जो मज़ा है वो स्पेशली रेनी सीजन में ही है, क्योंकि अदर टाइम आप आएंगे तो यहाँ पे हर जगह ड्राई ही मिलेगा, मतलब पानी सब सूखा ही मिलेगा। लेकिन आप जब भी आप यहाँ आने की प्रोग्राम करेंगे तो ट्राई कीजिए कि आप बारिश के मौसम में ही बारिश के मौसम में जब आएंगे तो आपको पानी, मतलब जो धारा है और पानी जो है वो अच्छी तरह से आपको दिखेगा। ये है वो मेन वाटरफॉल, इसी के लिए लोग इतने ऊँच, मतलब इतने 1.5 किलोमीटर ऊपर चल के आते हैं। देखिए रास्ता बहुत ख़राब नहीं है और बहुत बढ़िया भी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ओल्ड लेडी को लेके आते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैर फिसलने की चांसेस बढ़ जाती है। बच्चों का खैर चलेगा, क्योंकि बच्चे तो गिरेंगे तभी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, ओल्ड के लिए वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। देखिए माइंड ब्लोइंग क्या बढ़िया नज़ारा है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे बाइक से तो इतना पानी नहीं गिर रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा ड्राई सीजन में आए थे। हम लोग आए थे नवंबर दिसंबर में शायद आए थे, तो वहाँ पे पानी का धारा थोड़ा कम था, लेकिन ये बारिश के वजह से यहाँ का पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, लेकिन ये अब रिस्की है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो लोग नहा रहे हैं उसके नीचे कम से कम 40 फीट का नीचे गड्ढा है, और ये सारे एरिया स्लीपी है। तो बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे नहीं नहाने, तो नहाना ज़रूरी नहीं है। अब इसका ब्यूटी का मज़ा लीजिए, और अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ
कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो आपको दो दो किलोमीटर कम से कम 5 से 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, भटली तक आपको जाना पड़ेगा, रास्ते में कुछ है नहीं। तो इसलिए जब भी आप ये जगह पे आएँ, ध्यान दे के आएँ और सुरक्षित सुरक्षित रहें। जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया होने के कारण ज़्यादा मस्ती में आके आप कहीं कूद कर मत जाना, तो कहीं एक भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपको फिर 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। तो इसलिए बी केयरफुल, मस्ती कीजिए लेकिन टेंशन मत लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।